हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से आ रही है, जहां दतिया के इंद्रगढ़ में आज दतिया कलेक्टर रोहित सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इंद्रगढ़ में श्रीनाथ मेडिकल स्टोर, मेन बाजार की पंजाब बैंक और बैंड वाली गलियों को पूर्णतः सील कर दिया गया। इन गलियों में रहने वालों के लिए सब्जी या अन्य सामग्री के लिए नगर परिषद कर्मचारी की व्यवस्था की गई। श्रीनाथ मेडिकल स्टोर के संचालक की 3 साल की मासूम बेटी का कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आज प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। पूरी टीम के द्वारा इंद्रगढ़ वार्ड नंबर 4 का भ्रमण किया गया, जहां एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का एक मामला है, जहां ग्वालियर से एक पैरवी का कार्यक्रम के दौरान एक परिवार आया था जिसमें पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद यहाँ भी संक्रमण हुआ है। टेस्ट कराया गया, 5 लोगों का टेस्ट कराया गया था, जिनमें से 4 लोग निगेटिव पाए गए हैं। जो बच्ची पॉजिटिव पाई गई है उनको आइसोलेशन वार्ड में किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है, जहाँ अभी हम लोग भ्रमण करके कंटेनमेंट एरिया देख रहे थे कि कितना हमको घोषित कर रहा है, कितना करना उचित होगा। और यहाँ कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद हम एक एंट्री पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा, बाकी सारी गतिविधियाँ यहाँ प्रतिबंधित रहेंगी, आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, इमरजेंसी।